बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं विकी टीवी। दोस्तों, हमारी दुनिया में एक से बढ़कर एक फनकार इंसान रहता है। कभी लड़कियां लड़कों से शादी का इकरार करके बाद में इनकार कर देती हैं, तो कभी लड़के लड़कियों से शादी का इकरार करके बाद में इनकार कर देते हैं। लेकिन जो वाकया मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बेहद हैरान कन है। दोस्तों, चाइना के सूबे हुनान में एक युआन नामी शख्स रहता है, जिसने एक ही वक्त में 17 लड़कियों से शादी करने का वादा किया था। लेकिन कुछ अरसे बाद ही उसका रोड एक्सीडेंट हो गया और उसका मोबाइल हॉस्पिटल वालों ने जब्त कर लिया, ताकि उसके घर वालों को इत्तला दी जा सके। इस पर युआन का फ़ोन ना आने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके नंबर पर कॉल किया, तो पता चला कि उसका रोड एक्सीडेंट हो गया है। तो हॉस्पिटल वाला ने उन्हें जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचने का कहा। तो उससे अगले दिन ही यके बाद ही उसकी 17 गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल पहुंच गई। वो सब हॉस्पिटल पहुंचकर एक दूसरे को देखकर हैरान हो गई थी। उन्हें अब इस बात का इल्म हो चुका था कि युआन उन सबको धोखा दे रहा है। उनमें से एक लड़की ने कहा कि वो और युआन 6 साल से एक साथ रह रहे हैं। दूसरी लड़की ने कहा कि वो हमने 8 माह से उसे घर के अखराजात पूरे करने के लिए पैसे भी दे रहा है और वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी, मतलब कि उसका बच्चा भी पैदा होने वाला था। एक और लड़की ने कहा कि युआन और वो कुछ दिनों में शादी भी करने वाले हैं। चुनाचे उन सब ने युआन पर फ्रॉड करने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और चंद माह बाद ही उसे फ्रॉड करने की सूरत में जेल भेज दिया गया। चुनाचे उन सब लड़कियों ने फेसबुक पर एक ग्रुप भी बना लिया है, जो कि एंजल्स के नाम से मशहूर है, और वो उन सब लड़कियों की मदद करती हैं जिनको लगता है कि वो कोई लड़का उनके साथ धोखा कर रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।